नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में और मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। और छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दो दिवसीय प्रवास पर रहेंगी। आपको बता दें कि 31 अगस्त को वो छत्तीसगढ़ आ रही हैं। आइए एक नज़र डालते हैं कि क्या क्या कार्यक्रम में वो शामिल होंगी और किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दो दिवसीय दौरे पर 31 अगस्त को छत्तीसगढ़ आ रही हैं। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से 31 अगस्त को 11 बजे रायपुर पहुंचेंगी। वहीं एयरपोर्ट से शांति सरोवर के लिए रवाना होंगी। वहां से दोपहर 1 बजे राजभवन आएंगी, फिर शाम 4 बजे महंत घासीदास संग्रहालय के कार्यक्रम में शामिल होंगी। वहीं रात्रि विश्राम राजभवन में होगा, जिसके बाद शुक्रवार की सुबह विशेष विमान से बिलासपुर के लिए रवाना होंगी। बिलासपुर में गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में मुख्य अभ्यागत के तौर पर भी शामिल होंगी। वहीं बात करें सुरक्षा की, तो छत्तीसगढ़ पुलिस अलर्ट मोड पर है। दौरे से पहले बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार और जगह जगह पर पुलिस की चेकिंग पॉइंट जारी है। राष्ट्रपति की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रायपुर बिलासपुर के आसपास के जिलों से पुलिस अफसरों और जवानों को बुलवाकर तैनाती की गई है। वहीं राजधानी से आने वाले और जाने वाले प्रत्येक गाड़ियों और संदेहियों की चेकिंग की जा रही है। राष्ट्रपति के कार्यक्रम के लिए राजधानी में 1 IG, DIG, 10 SP, 12 ASP और 25 DSP सहित अन्य 1200 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं बात करें बिलासपुर की, तो बिलासपुर के कार्यक्रम के लिए 1 IG, 2 DIG, 10 SP, 10 ASP, 22 DSP सहित 1500 से ज्यादा अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। राष्ट्रपति के दो दिनों के कार्यक्रम के दौरान 3000 से ज्यादा पुलिस अधिकारी कर्मचारी सुरक्षा पर तैनात रहेंगे। तो इस प्रकार से एक बड़ा आयोजन हो रहा है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दो दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर है, जहां रायपुर और बिलासपुर में अलग अलग कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। ऐसे ही तमाम बड़े अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहें न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।